दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VGFX पर। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने एक साथ सारे मेल डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम मेल डिलीट करते हैं। प्राइमरी में से मैं पहले मेल डिलीट कर चुका हूँ दोस्तों, अब सोशल में से मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में ये एक ऑप्शन होता है, ये वाला सोशल का। सोशल पे क्या करना है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है सोशल पे, और यहाँ पे आपने जाना है कॉर्नर पे इस टाइप से, देखो दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपने ऑल कर देना है। जब आप ऑल करते हैं इसको, तो ऑल करने के बाद क्या होता है, जितना भी उसमें पेज के अंदर आपके मेल्स आए होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे रफली मेल्स आ जाते हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी आपको रिसीव करना पड़ता है, या वो कंपनियां ईमेल आईडी लेके डाल देती हैं आपके सोशल पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने सिंपली जाना है, यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन होता है, ये वाला आपका ये वाला ऑप्शन होता है डिलीट का, ये इसमें जाके आपने सिंपली डिलीट कर देना। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया और ये आपके मेल सारे डिलीट हो गए। दोबारा आपने जाना है, और भी आपके पास में मेल बचे हुए हैं ये बहुत सारे, तो यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे सिंपली दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है ऑल को। ऑल को आप जब सिलेक्ट करते हैं तो फिर दोबारा सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ से सिंपली आपने डिलीट मार देना है इसको बटन को। फिर दोबारा जाना है, यहाँ से डिलीट मार देना है, यानी कि आपको एक एक मेल करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इसे डिलीट करेंगे, सारे ऑल मेल करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं कि एक एक मेल डिलीट करते हैं, जिससे कि टाइम भी वेस्ट होता है और हमारी मेहनत भी वेस्ट होती है। तो इसको देखिए, मैं बारी बारी सबको डिलीट करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आईडी में बहुत सारे मेल्स हो चुके हैं जिनको मैं कभी डिलीट नहीं कर पाया, और टाइम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। देखिए मैं सारे मेल्स जितने भी हैं सबको डिलीट मारता जा रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और देखने वाली होती है दोस्तों, कि जब भी आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो ऊपर से नीचे तक जितने भी आपके मेल्स इस पेज में होते हैं उन सबको ये ले लेता है। ये देखिए आप देख सकते हैं सब सिलेक्ट हो गए हैं, सिर्फ गूगल के एड्स के जो मेल हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके इनबिल्ट हैं। ये देखिए मेरे ऑलरेडी बहुत सारे मेल रखे हुए थे जो कि सोशल पे थे। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, जैसे प्राइमरी होता है एक मेल, वो होते हैं जो आपको जनरली आते हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, एक मेल वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, और एक मेल वो होते हैं जो प्रमोशन के लिए आते हैं आपके। तो तीनों ही मेल में मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए अब ठीक उसी तरह आपको प्रमोशन से भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सिंपली यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये देखिए सिलेक्ट ऑल करता जा रहा हूँ मैं और डिलीट करता जा रहा हूँ इन मेलों को। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो जीमेल आईडी है उसमें एक तो स्पेस काफ़ी भर जाता है, जिसकी वजह से आपका ईमेल अकाउंट में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है कई बार स्पेस ना होने की वजह से। ये देखिए मैं सबको एक एक सिंपली करके डिलीट कर रहा हूँ, और आपको भी अपना अकाउंट हमेशा खाली रखना चाहिए, ताकि चाहे वो सोशल पे हो या प्रमोशन पे हो, किसी पे भी हो। ये देखिए सारे के सारे मैं मेल डिलीट करता जा रहा हूँ।
तकरीबन दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम से ये अपनी जीमेल आईडी नहीं देखी थी, जिसको अब देखने का मुझे अवसर मिला है, और इसी वजह से मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। ये देखिए, ये सारे मेल आपके प्रमोशन से डिलीट हो गए हैं। अब सिर्फ हमारे मेल बचते हैं सोशल पे। सोशल पे भी हम इस टाइप से करके अपने मेले को डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रमोशन से मैंने मेल खाली कर दिए, जितने भी आए हुए थे हमारे पास में। इस तरह आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या है, आप एक एक करने के झंझट से बच जाएंगे। तो दोस्तों कल मैं आपको बताऊंगा और किस चीज़ों के बारे में, और कोई जानकारी के बारे में। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल वी जी एफ एक्स।